हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम एडवांस एक्सेल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे उसके कुछ फंक्शंस जो हमें हेल्प करेंगे एक्सेल नॉलेज इनहेंस करने में। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के फंक्शन के बारे में। इसके बारे में समझने के लिए हमने यहाँ एक डमी टेबल क्रिएट किया है। यहाँ हम देखेंगे कि स्ट्रीम्स लिखे हैं और यहाँ उन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट। हम यहाँ इस सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। इसके लिए हम क्लिक करेंगे डेटा पर और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर। इसके लिए आप ओल्ट ए वी वी प्रेस करके भी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में हमारी टॉप रो है, उसे सेलेक्ट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ ड्रॉपडाउन अप्लाई हो चुका है और सभी स्ट्रीम्स इस ड्रॉपडाउन में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन। इसके लिए पहले हम अपनी इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करते हुए, और हम क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन पर फॉर्मूला में जाते हुए। इस डायलॉग बॉक्स पर हम शॉर्टकट के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, जो कि है ओल्ड एम प्लस सी। यहाँ क्लिक करेंगे टॉप रो पर और ओके कर देंगे। अब हम यहाँ ड्रॉप डाउन में से कोई स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे सेल पर जहाँ हमें इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन में चाहिए, और जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट एंड सोर्स में टाइप करेंगे इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और सेलेक्ट करेंगे ये सेल जहां स्ट्रीम में ड्रॉप डाउन है ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहां पर जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसके अंडर आने वाले सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब।